नमस्कार, केटी न्यूज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वैकेंसी यूपीएससी ने निकाला है। इसमें वेरियस मिनिस्ट्री से पोस्टें निकली हैं और ये ग्रुप ए की पोस्टें होने वाली है और अच्छी खासी सैलरी और फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। और इसमें आपको इंजीनियर और डॉक्टर्स के लिए भी वैकेंसी है और नॉवल में भी वैकेंसी है। आइए देखते हैं। देखिए, इसमें आपको इंटरव्यू बेसिस पे ये बहाली होने जा रही है। देखिए, पहली वैकेंसी देखते हैं। इसमें 2 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर नेविगेशन एंड सर्विलेंस इन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसमें 2 पोस्टें हैं और यहाँ एज भी दिया गया है। देखिए, लेवल 11 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा इसमें, 7th CPC के अकॉर्डिंग। और एज लिमिट 40 ईयर है। और इसमें जो कैटेगरी कैंडिडेट होंगे उसको एज और क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशंस मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। और इसमें देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। टोटल 5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। अगली वैकेंसी जो है, इसमें 9 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर इंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें देखिए, एससी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, अनरिजर्व के लिए 1 है। इसमें जो पे स्केल होगा, आपको 11 का पे मिलेगा और प्लस NPA भी मिलेगा। और एज लिमिट 40 ईयर है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री। और इसमें कहते हैं क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल पार्ट थर्ड शेड्यूल, इस तरीके से डिटेल दी गई हैं। अगली वैकेंसी जो है, 3 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें ओबीसी के लिए 2 है, अनरिजर्व के लिए 1 है, PWBD कैंडिडेट के लिए 1 है। पे स्केल इसमें 11 होने वाला है। क्वालिफिकेशन इसमें MBBS मांगा गया है। एज में रिलैक्सेशंस मिलेगा कैटेगरी कैंडिडेट को। फिर आगे देखिए, अगली वैकेंसी जो है, 1 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट 33 ईयर है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद अ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एज ए आर्किटेक्ट। फिर उसके बाद देखें, इसमें ड्यूटी वगैरह भी दिया गया है, क्या ड्यूटी होने वाली है आपकी। अगली वैकेंसी जो है, इसमें 6 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रिलर इन चार्ज इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजन विजन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट जो है 30 साल है। और जो पे मिलेगा आपको, लेवल 8 के अकॉर्डिंग पे मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, इसमें कहता है डिग्री इन ड्रिलिंग माइनिंग मैकेनिक्स एंड सिविल इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ कहता है कि 3 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल इन डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी है। लेवल 12 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा आपको। एज लिमिट 50 साल है। क्वालिफिकेशन देखें तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ मैरिन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1 स्टीम और मोटर और कंबाइन स्टीम एंड मोटर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 78 ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट। इस तरीके से क्वालिफिकेशन दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, कहता है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल इन डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग मुंबई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। लेवल 12 का पेमेंट मिलेगा और 48 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कहता है डिग्री नेवल आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस वुड बी 8 ईयर इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन सर्वे एंड रिपेयर ऑफ शिप कैरिड आउट। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह में रिलैक्सेशंस की भी बात कही गई है। आपको करना क्या है, www.upscionline.nic.in पे जाके अप्लाई करना है।
लास्ट डेट जो होने वाला है 2 नवंबर 2023 तक, आप एप्लीकेशन रात को 11:59 तक फिलअप कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप फिलअप कर लें अगर आपको ये फिलअप करना है एप्लीकेशन। लास्ट डेट जो होने वाला है प्रिंट करने का एप्लीकेशन को 3 नवंबर 2023 होने वाला है रात को 11:59 तक। और जो आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी वो जो लास्ट डेट सबमिशन का है उसी डेट तक आपको एलिजिबिलिटी डिटरमाइन की जाएगी, यानी उस डेट तक आपके लिए जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होना चाहिए। इंटरेस्टेड है तो फिलअप कीजिए, बाकी डिटेल दिया गया है इसको पढ़ लीजिएगा बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन सो दैट यू वुड बी क्लियर इन योर माइंड अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन देयर। सो गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।